हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ डरावनी कहानियां लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं कि आपको ये कहानियां पसंद आएंगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या घटना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपनी वीडियोज़ के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएँगे। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर आयुष जी ने भेजी है। आयुष जी बताते हैं, ये सब घटना मेरे फूफा जी के साथ हुई थी। पहली, जब वो उनकी फैमिली के साथ अपने बंगलों में रहते थे। एक दिन वो अपनी बैल्कनी में खटिया डालकर सो रहे थे, तब उनको लगा कि कोई उनके फेस को टच कर रहा है। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक 19 साल की लड़की उनके बगल में बैठी हुई थी। उसने कहा, उर्विश, मैंने तुझे इतनी बार बताया कि ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। फिर वो बुरी तरह से डर गए। उन्होंने अपनी मम्मी को कहा कि जो लड़की मुझको सपने में दिख रही थी, उसको मैंने आज बालकनी में देखा। उसके कुछ दिनों बाद उनकी सिस्टर अपने कमरे में सो रही थी, तब उनकी आंखें खुली और उन्होंने देखा कि उनके सीलिंग पे एक लड़की चल रही है। उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया और सबको बताया। फिर उन लोगों ने अपने पड़ोसियों से पूछा, तब उनको पता चला कि वहाँ पर जो पहले रहते थे, जिनसे उन्होंने वो घर खरीदा था, उनकी बेटी ने वहाँ पर सुसाइड किया था और तब से उसकी आत्मा उस घर में भटकती थी। उनकी सोसाइटी भूतिया है और कुछ दिनों में उन्होंने वो बंगलो खाली कर दिया। दूसरी घटना फूफा जी के फ्रेंड के साथ घटी थी। कॉलेज की हॉस्टल में उन्होंने पार्टी रखी थी। रात को पार्टी का सामान लेने उनका फ्रेंड जब हॉस्टल के पीछे वाली गली से गया, वापस आते टाइम उनको एक लिफ्ट मांगते हुए लड़का दिखा। उन्होंने बाइक रोकी और उस लड़के को बिठा लिया और फिर पूछा कि कहाँ उतारूँ आपको। उस लड़के ने कहा कि पास के हॉस्टल में रहता हूँ और मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। फिर फूफा जी के दोस्त ने कहा कि मैं भी वहीं सेकेंड फ्लोर पर रहता हूँ, पर आपको कभी नहीं देखा। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं फोर्थ फ्लोर पर रहता हूँ और ज़्यादा बाहर नहीं निकलता। फूफा जी के दोस्त ने पूछा कि आपका रूम नंबर कौन सा है, तब उस लड़के ने बताया कि वो 313 में रहता है। और फिर जब वो हॉस्टल के पीछे वाले गेट के पास उन्होंने बाइक रोकी और कहा कि भैया आप उतरो, मैं पैकेट्स लेना भूल गया हूँ, आप जाइए, मैं फिर कभी आता हूँ आपके रूम पे आपसे मिलने। ये कहते हुए उन्होंने पीछे की ओर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पीछे की सीट पर तो कोई था ही नहीं। वो डर गए और भाग के अपने रूम में गए और फूफा जी और अपने बाकी फ्रेंड्स को बताया। अगले दिन वो लोग फोर्थ फ्लोर पर गए ये जानने के लिए कि क्या सच में वो कोई आत्मा था या फिर उनका वहम था। जब वो फोर्थ फ्लोर की सीढ़ियों पे गए तो उन्होंने उस फ्लोर को बंद पाया और थर्ड फ्लोर पे रह रहे एक लड़के से पूछा कि यहाँ पे ये फोर्थ फ्लोर बंद क्यों है, तो उस लड़के ने बताया कि फोर्थ फ्लोर का 313 रूम नंबर हॉन्टेड है, क्योंकि वहाँ पर एक लड़के ने सुसाइड किया था। उसका रीज़न था कि वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और वो फाइनल एग्ज़ाम में फेल हो गया और डिप्रेशन के कारण उसने सुसाइड कर लिया। उसके दो दिन बाद फोर्थ फ्लोर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती, कभी कभी तो लॉबी में किसी के चलने की भी आवाज़ें आने लगी और आसपास के रूम में रहने वाले लड़कों ने उसको देखा और आवाज़ की कंप्लेंट की। फिर फोर्थ फ्लोर बंद करवा दिया गया। तो अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर, जो कलिया मसान के ऊपर आधारित है। ये कहानी मेरे एक मित्र की है जिनका नाम राघव चौटाला है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यकीन करते हैं और साधना भी करते हैं। इन्हें तांत्रिक नहीं कह सकते, लेकिन इनके पास शक्तियाँ तांत्रिक जैसी ही हैं। चलिए ये किस्सा राघव द्वारा ही सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राघव है। मैंने बीएड किया हुआ नौकरी पेशा आदमी हूँ। साथ में मेरे बड़े भाई साहब किरण कुमार भी रहते हैं, ये भी अच्छे पद पर कार्यरत हैं। हम दोनों भाई एक साथ रहते हैं। हमने शादी नहीं की, एक भाई
जो हमारा सारा काम निपटाती है तथा शाम 7 बजे से हमारी साधना का वक्त हो जाता है। साधना करते हुए मैं इतना ज़रूर जान चुका हूँ तंत्र तथा मंत्र किस प्रकार किया जाता है, किंतु कभी कोशिश नहीं की। एक बार भाई और मैं रात के 9 बजे करीब कंप्यूटर पर एक ब्लॉग पढ़ रहे थे, तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। बड़ी गंदी सी आवाज़ सुनाई थी, जैसे किसी कुत्ते और बच्चे के बोलने के स्वर को मिक्स करके हंसा हो। मुझे लगा इत्तेफाक से मेरे कान बजे होंगे। मैंने अपने भाई की तरफ देखा जो मेरे साथ ही बैठे थे और वो मेरे तरफ देख रहे थे, और आंखों में ही हमने बोला एक दूसरे को, क्यों कुछ सुना? और मैं पीछे मुड़ा तो वही मनहूसियत सी थी और गेट हिल रहा था। मैं दौड़ के गेट की तरफ भागा और वहाँ तक भागा जहाँ बरामदे में रात का घुप अंधेरा था। भय सबको लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुझे भय नहीं लगा। वो डरावनी सी आवाज़ शायद आज भी मस्तिष्क में संरक्षित सी है, उस स्वर की छाप। मैं वापस आया और भाई से बोला, क्या था ये? बड़ा अजीब था, डरावना। वो बोले, हाँ यार था तो अजीब, तुम सुबह देखना शक्तियों के माध्यम से। मैंने बोला, ठीक है। भय था कि डरावना होगा, इसलिए मैंने रात में कोई छानबीन नहीं की उस विषय में, क्योंकि उस समय मैंने ज़्यादा साधना नहीं की थी, कुछ ही सिद्धियाँ की थी। अगले दिन सुबह 7 बजे डोरबेल बजी। मैंने आंखें मलते हुए गुस्सा किया कि राधा दीदी, बाई को भी इतना सुबह आना था। मैंने लगभग चिढ़ते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने एक 29 से 30 साल का आदमी खड़ा था। मैंने कहा, जी? वो, सर मेरा नाम अंकित है, मैं पास के शहर खटीमा से आया हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? क्या अंदर बैठकर बात करें? माफ़ कीजिए, सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो शायद अभी भी नींद में हूँ। भाई साहब भी उठ गए थे और हमारे लिए चाय बना लाए। हाँ जी अंकित जी, बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? राघव जी, मैं हमारे आश्रम हरि मिलन में गुरु जी से मदद लेने गया था, परंतु उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। वहीं उनके एक शिष्य ने मुझे आपका पता दिया, तो मैं सुबह ही यहाँ आ गया। मैं मन ही मन मुस्कुराया ये सोचकर कि अब फैन भी बनने लगे। भाई साहब मुझे ही देख रहे थे और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उनका मन पढ़ गया कि हमारी साधना के बारे में हम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता। मैं भी सोच में डूब गया। राघव जी, मेरी बीवी सोनिया 5 महीनों से गर्भवती है, परंतु उसे लगता है कि उसके पेट में कुछ नहीं है, बस खाली है। कभी कभी सोनिया उल्टी सीधी बातें करती है, रात में बाहर निकल जाती है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु कल तो हद ही हो गई। रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच मुझे उठाकर पूछती है कि हमारे पैदा होने वाले बच्चे को का मांस कितना लजीज होगा। ये बोलकर वो आंखें बंद करके मुस्कुरा के सो गई। क्या आपकी बीवी में कोई और हरकत करती है, जैसे ज़िद्दी बच्चे या शरारती बच्चे की तरह? नहीं, लेकिन उसे कुछ महसूस होता है और भुनते हुए मांस की बदबू आती है। भाई साहब और मैं एक दूसरे को देखने लगे और समझ गए कि ये मामला क्या है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप जानते हैं कि मेरी बीवी को क्या हुआ है, तभी मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जो साधना मुझे आती है उसमें भूत बाधा नहीं भगाते। आप किसी और की मदद लीजिए। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरी बीवी की मदद कर दीजिए, वरना मेरी बीवी और मेरा बच्चा मर जाएंगे। भाई साहब ने मेरी ओर देखा और मदद के लिए हाँ करने को कहा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, अभी आप जाइए, मैं शाम को आपके घर आता हूँ। आपको एक लिस्ट देता हूँ, ये सब सामान लेते हुए घर जाइए तथा ये सामान मंदिर में रख दीजिए, और अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना, वो चाहे कितनी भी अजीब बात करे, क्योंकि उस पर जो शक्ति है वो उसे मारने के लिए ही उस पर आई है। बाकी मैं आपको घर आकर बताता हूँ। अंकित वहाँ से चला गया और भाई साहब और मैं सोच में बैठ गए। भाई साहब, तुम्हें क्या लगता है राघव, ये क्या है? भाई साहब, आप भी जानते हैं और मैं भी, किसी ने उस औरत पर कालिया मसान किया है।
और इसका कोई तोड़ नहीं है। आप, मैं या हमसे बड़ा कोई विद्वान भी कालिया मसान नहीं तोड़ सकता। इसमें 40 दिन के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है। पहले मुझे लगा ये कोई कच्चा कलवा है, लेकिन भुनते हुए मांस की बदबू सिर्फ कालिया मसान में ही होते पे आती है। भाई साहब, कल रात वो सब क्या था, तुमने कुछ पता किया? भाई साहब, मैं अभी उठा हूँ और अंकित से बात हुई है, नहा धोकर या शाम को देखता हूँ। शाम को तो तुम अंकित के घर जाना है ना? ठीक है भाई साहब, मैं नहा धोकर अभी देखता हूँ। नहा धोकर आसन लगाकर मैं बैठ गया तथा ध्यान केंद्रित करने पे लगा मेरे सामने एक विजन आया, कल रात वाला, जिसमें भाई और मैं कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं और हमारे पीछे कोई हंसा है। इस बार मैं देख पाया कि वो कौन है। वो कच्चा कलुआ था और मैं उसके पीछे बरामदे तक भागा। वो हंसता हुआ घर से बाहर भाग गया। मैंने भाई साहब को ये बात बताई। भाई साहब, हमारे घर आने का उसका क्या मतलब? भाई साहब, ये तो उसे बुलाकर ही पता चलेगा। अब उसे बुलाओगे या शाम को अंकित के घर जाओगे? शाम को अंकित के घर में पहुंच गया और वहां जाकर देखा उनके घर में बहुत मनहूसियत थी, जैसे किसी मरघट में होती है। मैंने अंकित से बात की कि आपके घर में कौन कौन है। अंकित ने कहा, मैं, ये मेरी माता जी, ये मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी, मेरी वाइफ और मेरे भाई का एक लड़का, एक मेरी बहन है जिसकी शादी हो रखी है। मैंने सबको नमस्ते किया और उनके पूरे घर का चक्कर लगाया और छत का भी, फिर बैठक में जाकर बैठ गया। 5 मिनट बाद अंकित आया, मुझे नाश्ते के लिए पूछने लगा। मैंने मना कर दिया और उन सबसे भी कुछ ना खाने को कहा। अंकित जी, मैं आपको अभी जो बताने वाला हूँ, कृपया धैर्य रखिए और अपने साथ घर वालों को भी बुला लीजिए। थोड़ी देर बाद सारा परिवार एक साथ इकट्ठा हो गया, सिर्फ सोनिया को छोड़कर। आप सब मेरी बात सुनिए और मेरी बातों का जवाब दीजिए। क्या आप कालिया मशान के बारे में जानते हैं? अंकित ने कहा, नहीं। ये काला जादू होता है जो किसी व्यक्ति पर तब किया जाता है जब उसकी जान लेनी हो, और इस मसान के अगले 40 दिन के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसमें व्यक्ति को अलग अलग विजन दिखते हैं और वो व्यक्ति खुद से ही डरने लगता है। आपकी बीवी बहुत ज़्यादा ही खतरे में है, उसके ऊपर कालिया मसान किया गया है जिसके कारण वो दिमागी रूप से कमज़ोर हो गई है। उसको वो लोग भी दिखते हैं जो नहीं होते। जब मैं आपके कमरे में गया, वहाँ मुझे वही दिखा जो आपकी बीवी देखती है, शमशान और वहाँ जलती हुई चिताएं और साथ में खड़ी हुई कालिया मशान द्वारा छोड़ी गई शक्ति। मैंने महसूस किया उसे, और वो आपकी बीवी को ले जाकर ही छोड़ेगी। अभी मुझे नहीं पता आपकी बीवी पर यह मशान कब किया गया है, लेकिन अगर 30 दिन से ऊपर हो गए हैं तो आपकी बीवी को बचाना बहुत ही मुश्किल है। वो लोग ये सब सुनकर डर गए तथा महिलाएं तो रोने लगी। अंकित ने कहा, सर, आप कुछ भी कीजिए, मेरी बीवी को बचा लीजिए। इस काले जादू को उस पर से हटा दीजिए। ये कालिया मसान तभी उतर सकता है जब कोई इसे अपने ऊपर ले। सर, मैं अपने ऊपर अपने बच्चे की और अपनी बीवी की अला बला ले लेता हूँ। बस आप मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए, साथ ही मेरी बीवी को ठीक कर दीजिए। मैं इन दोनों के बिना नहीं जी सकता। अंकित जी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ना ही आप। हम बस आपकी बीवी की मदद कर सकते हैं। वो कैसे? ये कालिया मसान वही अपने ऊपर ले सकता है जिसने ये क्रिया आपकी बीवी पर की है। आप अपने घर में माता की मूर्ति के सामने एक अखंड जोत जलाएं और अपनी बीवी को सुबह शाम पूजा करवाएं। घर का माहौल जितना शुभ रख सकते हैं रखें। मैं रात को 12 बजे अपनी साधना स्टार्ट करूँगा। आप तब तक सारा सामान और एक कमरा धुलवा के साफ करवा दीजिए। रात के 12 बज चुके थे। इतनी देर में सोनिया को 6 बार डरावने विजन आ चुके थे। वो विजन मैं भी देख रहा था। किसी आम इंसान के लिए अपने आसपास ऐसी शक्तियां महसूस करना बहुत मुश्किल है। 12 बजे मेरी साधना शुरू होते ही मैंने सिंदूर से एक दैवीय चित्र बनाया जिसमें मैंने काली यंत्र रखा और जाप शुरू किया। तकरीबन 3 घंटे बाद सोनिया को मेरे सामने बिठाया गया। सोनिया अभी भी बेहोशी में थी। तुम्हारे ऊपर कालिया मसान हुआ है सोनिया,
और इसे किए हुए 17 दिन हो गए हैं। मुझे ये बताओ, तुम 17 दिन पहले कहाँ कहाँ गई थी? और मैंने सबको पहले ही समझा दिया था कि सोनिया के अलावा कोई कुछ नहीं बोलेगा। बताओ। सोनिया, मुझे कुछ नहीं याद, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। सोनिया, इस कालिया मसान की वजह से तुम्हारा मानसिक संतुलन और याददाश्त धीरे धीरे खो रही है। तुम धीरे धीरे खुद को भी भूल रही हो, पर तुमको अपनी मदद करनी होगी। मुझे बताओ, तुम 17 दिन पहले कहाँ कहाँ गई थी? मैं कहीं नहीं गई थी। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, मुझे मम्मी जी ने बाहर ही नहीं जाने दिया। याद करने की कोशिश करो सोनिया, ये तुम्हारे लिए ही सही होगा। अपने दिमाग पर जोर दो और याद करो। सोनिया, हाँ हाँ, 17 दिन पहले मैं रात को छत पे गई थी और मुझे वहाँ पड़ोस की कोमल मिली थी। वो भी प्रेग्नेंट है और अपने मायके आई हुई है। क्या तुमने वहाँ कोई गलत चीज़ महसूस करी थी? नहीं। क्या तुमने वहाँ पर कुछ खाया था? नहीं। क्या तुमने आसमान में कुछ गलत देखा था? नहीं। थोड़ी देर बाद सोनिया बोली, नीचे उतरते हुए बस मैंने अपने आसपास किसी को महसूस किया था, किसी औरत को। वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी और मैं भाग के घर के मंदिर में चली गई और सो गई। अंकित, हाँ याद आया, उस रात जब देर तक सोनिया कमरे में नहीं आई तो मैंने छत में चेक किया और वो वहाँ नहीं थी। ढूंढने पर ये मुझे मंदिर में मिली और मैं इसे कमरे में ले आया। सोनिया, हाँ उस दिन से वो औरत मुझे इस घर में दिखाई देती है। वो कुछ कहती नहीं, उसका कोई शरीर नहीं है, बस एक काली परछाई है और उसके उड़ते हुए बाल हैं। मैंने अंकित को भी बताया था, लेकिन अंकित ने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। इतना बताकर सोनिया बेहोश हो गई। हम सबको घर में एक अनुष्ठान कराना होगा जिससे जिसने कालिया मसान किया है उसका पता चल सके और वो इसको अपने ऊपर ले सके। कल शनिवार है और आप सब सुबह काली मंदिर जाएं। शाम को हम ये अनुष्ठान करेंगे, इसमें मेरे भाई साहब भी होंगे। और आप ये सब सामान मंगा लीजिए, मैंने लिस्ट देते हुए कहा और वहाँ से सुबह 4 बजे अपने घर आ गया। घर आकर मैंने भाई साहब को सारी बात बताई। भाई साहब, ये मसान सोनिया पर हुआ है। हो सकता है उस दिन छत पर सोनिया और कोमल दोनों ही थी। ये मसान कोमल पर किया गया हो या छोड़ा गया हो और गलती से ये सोनिया पर आ गया हो। मैंने उसी वक्त अंकित को कॉल की और उसे सारी बात बताकर उनके पड़ोसियों के बारे में जाना। अंकित, सर ये लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत ही मिलनसार हैं, लेकिन जब से इनकी लड़की की शादी हुई है वो अपने ससुराल में बहुत दुखी है, इसलिए इस हालत में भी वो यहाँ पर आ गई क्योंकि वो लोग उसे बहुत दुखी करते हैं। मैंने अंकित को समझाया कि कल आप उन लोगों को लेकर भी मंदिर जाएं और शाम को अनुष्ठान में शामिल करने के लिए राज़ी करें और फ़ोन रख दिया। भाई साहब और मैं एक ही बिस्तर पर सोने चले गए। भाई साहब, मैंने एक बात और जानी है। जब मैं शाम को साधना करने बैठा तो मुझे पता चला कि कल शाम में कच्चा कलवा हमसे आने वाले खतरे के बारे में हमें बताने के लिए घर आया था। लेकिन भाई साहब, उसे कैसे पता हमारे ऊपर कोई खतरा आने वाला है? भाई साहब, अब ये तो मैं भी नहीं बता सकता, उसके लिए मुझे साधना करनी पड़ेगी। लेकिन कल हम सोनिया के घर जाकर अनुष्ठान करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कालिया मसान कोमल पर हुआ है या सोनिया पर। भाई साहब और मैं सो गए। अगले दिन सुबह उठकर मैं ऑफिस गया और ऑफिस से 3 बजे घर आ गया। भाई साहब आज ऑफिस नहीं गए थे और वो घर पर ही शाम के लिए सारी तैयारियां कर रहे थे। मैंने फ़ोन करके अंकित को कह दिया था कि गंगा जल से नहा ले और लाल कपड़े पहने। मैं और भाई साहब 5 बजे उनके घर के लिए निकल गए क्योंकि 7 बजे से अनुष्ठान शुरू होना था। घर जाके हमने सारी तैयारियां कर ली और सोनिया को भी गंगा जल से नहलाया गया और उसे नए कपड़े पहनाए गए जो कपड़े पहले पहने ना गए हों। कोमल का परिवार भी वहीं पर मौजूद था। भाई साहब और मैंने पूरी तैयारी करके एक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना और सोनिया के कमरे में आसन लगाकर बैठ गए। सोनिया बेड पे लेट रखी थी, वो होश में थी और हमें देख रही थी। अभी तक उसे कोई विज़न नहीं आया था, शायद वो शक्ति अभी उससे दूर थी उसके पूजा करने और गंगा जल के नहाने की वजह से। हमने
अनुष्ठान शुरू कर दिया। 7 से 10 बज गए, अभी तक हमें कोई भी फल हासिल नहीं हुआ था। तभी वहाँ पर हमने जो फूल मंगा रखे थे उन्हें तोड़कर एक थाली में रखा। 10:30 के करीब सोनिया को कुछ विजन दिखने शुरू हो गए। अभी ये सब मैं और भाई साहब भी देख रहे थे, लेकिन हम दोनों ने अपनी आंखें नहीं खोली और देखा कि सोनिया के साथ क्या होता है। सोनिया अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई और बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगी। कालिया मशान की शक्ति उसके करीब आ रही थी उसे डराने। कालिया मशान की शक्ति में वो अपने आप को ही देख रही थी, अपना ही अक्स देख रही थी। सोनिया, इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें कमज़ोर करने आई है। तुम अपने मन को ताकतवर रखो और अपने इष्ट देव के बारे में सोचो, काली माता का नाम लो। सोनिया ने काली माता का नाम लेना शुरू कर दिया। उसी का स्वरूप जो उसे देख रहा था उसे दूर खड़ा रहा, लेकिन मेरे बोलने की वजह से सोनिया शांत रही और अपने ऊपर उसको हावी नहीं होने दिया। इतने में भाई साहब ने पूरे कमरे में एक सिंदूर का चक्र बना दिया था। अब यह शक्ति कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। भाई साहब, हमें पता है तुम कालिया मशान क्रिया से आई हो और तुम सोनिया को मारने आई हो, हमें बताओ किसने किया है। लेकिन वो शक्ति हमें कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। भाई साहब, अगर तुम नहीं बताओगी हमें इस कमरे में देवी माँ का यंत्र को चारों तरफ लगाना पड़ेगा, जिससे तुम कुछ नहीं कर पाओगी, इसीलिए हमें बता दो। तभी वहाँ रखे हुए फूल चारों तरफ फैल गए और एक नाम लिखा हुआ आया, वैभव। भाई साहब, सोनिया क्या तुम किसी वैभव को जानती हो? नहीं, मैंने बाहर अंकित के पास पूछा, क्या तुम किसी वैभव को जानते हो? हाँ सर, कोमल के पति का नाम वैभव है। हमें ये बात सब घर वालों को बतानी होगी। तुम एक काम करो, सारे घर वालों को बात बताओ, मैं कमरे में जाकर सोनिया के लिए पूजा पाठ करता हूँ। ये बात जानकर कोमल का परिवार सारी कहानी समझ गया। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आया और स्थिति संभाली, क्योंकि सब बहुत रो रहे थे। कोमल, अपने पति को यहाँ पर बुला सकती हो? सर, वो नहीं आएंगे। क्यों? सर, वो हमारी शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे, उन्हें दहेज चाहिए था और हमने ज़्यादा दहेज नहीं दिया। आज के टाइम पे भी इतने गिरे हुए लोग हैं जो दहेज के लिए किसी लड़की को मारने का सोचे। कोमल की मम्मी सब सुन के रोने लगी। मैंने कोमल की माता जी से कहा, राधा जी आप किसी भी तरह वैभव को यहाँ बुलाइए। राधा जी ने वैभव को कोमल की तबीयत की झूठी खबर दी और उसी वक्त बुलाया। वैभव करीब 1 बजे तक आ गया। मैंने पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? वैभव ने जवाब दिया, मैंने क्या किया? और कोमल, तुम्हारी मम्मी ने तो मुझे कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, पर ये क्या हो रहा है? कोमल ने रोते हुए कहा, कितना गिरोगे वैभव, तुमने मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर काला जादू किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये क्या बकवास है, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुमने एक बार भी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा? वैभव, मैं अपने माँ बाप की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने ज़रूर दहेज के लिए तुम्हें परेशान किया, लेकिन मैंने तुम्हें मारने के लिए कोई भी काला जादू नहीं किया। और ये सब मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो, कोमल ने कहा। वैभव, मैं जो करता हूँ सबके सामने करता हूँ, मुझे काला जादू करने की ज़रूरत नहीं। अगर मुझे तुम्हें छोड़ना है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, मारूँगा नहीं। राधा जी उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अंकित और मैंने उन्हें रोका। भाई साहब, सब शांत हो जाओ, अंदर सोनिया की हालत ख़राब हो रही है। सब रूम में आ गए। लेडीज़ और अंकित ने सोनिया को संभाला। मैंने एक नींबू उसके ऊपर से 3 बार घुमा के मंदिर में रखा, तब सोनिया शांति से सो पाई। सोनिया की सास, अब हम क्या करें? राधा जी, इस वैभव से पूछिए। वैभव, यार आप लोग समझो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं कोमल को मारूंगा तो शादी के इतने साल बाद क्यों? भाई साहब, वैभव सही कह रहा है, ये इस वैभव का काम नहीं है, ये किसी और ही वैभव का काम है और मुझे उसके बारे में कुछ पता चला है। आप सोनिया के घर वालों को यहाँ बुला लीजिए। सुबह तक सोनिया के भाई भाभी यहाँ अंकित के घर आ गए। अंकित, ये देव हैं और ये शिवानी भाभी हैं। नमस्ते देव जी, क्या किसी वैभव को जानते हैं? नहीं, हम किसी वैभव को नहीं जानते। आपको पता तो है ना कि सोनिया की जान खतरे में है, क्या कभी कोई सोनिया का शादी से पहले? हाँ, हमें अंकित ने बताया।
सोनिया शादी से पहले किसी को पसंद नहीं करती थी, और करती भी होगी तो उसने हमें नहीं बताया। शिवानी तुम्हें कुछ नहीं? अब भाई साहब और मेरे लिए ये बात बहुत ही परेशान करने वाली थी कि ये वो कौन है जो सोनिया पर ये काला जादू उसे मारने के लिए कर रहा है। भाई साहब, राघव जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। हाँ भाई साहब, सोनिया की जान खतरे में है, हमें जल्दी से जल्दी कुछ तो करना है। सोनिया से ही पूछना होगा ये कौन है। भाई साहब, लेकिन सोनिया तो बता ही नहीं रही है। भाई साहब और मैं दोपहर 12 बजे तक घर आ गए और सोने चले गए। करीब 2 बजे हमारी डोर बेल बजी और भाई साहब गेट खोलने गए। मैं नहीं उठा, मुझे बाहर से कुछ आवाज़ तो आ रही थी लेकिन मैंने उठकर जाना सही नहीं समझा क्योंकि बहुत थका हुआ था, ऊपर से रात भर की नींद थी। भाई साहब मुझे बुलाने भी नहीं आए और अब बहुत देर हो गई थी। भाई साहब को बात करते करते मैं नींद की हालत में ही बाहर गया तो देखा सामने राधा जी बैठी हुई हैं। नमस्ते राधा जी, बताइए क्या बात है, आप क्यों इतनी परेशान लग रही हैं। राधा जी, मुझे नहीं लगता कि ये काम मेरा दामाद कर सकता है, लेकिन भाई साहब ये किसी और वैभव को भी जानती हैं। क्या, तो आपने ये बात वहाँ क्यों नहीं बताई। राधा जी, क्योंकि मैं हमारे और पड़ोसियों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं रखना चाहती, कृपया आप भी उन्हें नहीं बताएं कि ये बात मैंने आपको बताई है। ठीक है, हम आपका नाम नहीं लेंगे, बताइए कौन है वैभव। दरअसल अंकित और मेरे पति एक ही कंपनी में काम करते हैं और मेरे पति अंकित को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अंकित के बेस्ट फ्रेंड का नाम भी वैभव है, लेकिन अंकित ने हमें ये बात नहीं बताई। अब ये बात आप सोचिए कि आपको उसने क्यों नहीं बताई। मैं भी ये सोचकर आपके पास आई थी। ठीक है, हम इस बात को किसी को नहीं बताएंगे कि ये बात आपने हमें बताई है, और आप भी इस बात का जिक्र मत कीजिएगा जब तक हम न कहें, बाकी हम सब देख लेंगे। मैंने भाई साहब की तरफ देखकर बोला राधा जी के जाने के बाद। अब समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। भाई साहब मैं सब समझ गया हूँ, मुझे भी बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हम आज शाम को ही अंकित के घर जाएंगे और मैं किसी तरह वैभव को भी वहाँ बुलाता हूँ। मैं और भाई साहब चाय पीकर थोड़ी देर आराम करने लगे और शाम को अंकित को फ़ोन करके कह दिया कि हम आपके घर आने वाले हैं। शाम को 6 बजे के करीब मैं और भाई साहब अंकित के घर पहुँच गए और सबको इकट्ठा किया। सोनिया भी बिल्कुल ठीक हालत में थी। क्या सोनिया, तुम जानती हो तुम पर कालिया मसान किसने किया है। सोनिया, नहीं। अंकित, इस वैभव ने किया है। कोमल, अंकित उन्होंने अपने घर वालों की कसम खाई है, तुम ऐसे इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो क्या वो फूलों से नाम अपने आप ही लिखा हुआ आ गया। मैं, अंकित तुम्हें कैसे पता कि अंदर फूलों से नाम लिखा हुआ आया था, आपने ही तो बताया था। झूठ मत बोलो अंकित, मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं बताया। अंकित, तो आपके भाई साहब ने बताया होगा। भाई साहब, मैंने तुमसे कोई बात ही नहीं की तो मैं तुम्हें कब बताऊंगा। हाँ याद आया, ये बात मुझे रात को सोनिया ने बताई थी। सोनिया, क्या तुम्हें ये बात अंकित को बताई थी। मुझे याद नहीं। अंकित, हाँ हाँ ये बात मुझे सोनिया ने ही बताई थी। ठीक है अंकित, तुम सही कह रहे हो, शायद सोनिया ने ही बताई होगी। चलिए हम सब बैठकर बात करते हैं। अंकित, लेकिन आप सब यहाँ आए हो, क्यों आए हो। भाई साहब, अभी पता चल जाएगा, आप बैठो तो सही। तभी वहाँ पर अंकित के दोस्त वैभव की एंट्री हुई। अंकित भागता हुआ अपने दोस्त के पास गया और धीरे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अंकित का दोस्त वैभव, बड़े वियर्ड हो यार, तुमने ही तो मुझको फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया कि घर वालों को सब बताना है। अंकित, पागल हो गए हो, मैं तुम्हें कब बुलाया। वैभव, तुमको मैंने बुलाया है यहाँ पर। लेकिन आप मेरे दोस्त को ऐसे कैसे बुला सकते हैं। क्यों नहीं बुला सकता, तुम्हारी बीवी की जान खतरे में है और तुम्हारे दोस्त ने एक बार भी तुमसे आकर खबर नहीं ली। अंकित, यह हमारे घर का आपसी मामला है, इसमें कोई बाहर वाला नहीं आएगा। ठीक है, मैं और भाई साहब भी चले जाते हैं, हम भी तो बाहर वाले हैं अंकित जी। ठीक है, आप जाइए, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। अंकित की माँ रोने लगी, हाथ जोड़ने लगी, आप इसका बुरा नहीं माने, ये पागल है, प्लीज़ उस बच्चे का सोचिए। माँ जी, ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप रोइए मत। भाई साहब अंकित से,
हाँ, तुम्हें मदद चाहिए भी क्यों होगी? मेरी भी समझ में आ गया है कि राघव क्या सोच रहा है। हाँ भाई साहब, ये सच है जो आप समझ रहे हैं। सोनिया पर कालिया मसान इस वैभव ने ही किया है। वैभव? लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अंकित, आप उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। लगा सकता हूँ और लगा भी रहा हूँ। तुम्हें तो इस बात से वैभव को पूछना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। उल्टा तुम हम पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हो कि हम झूठ बोल रहे हैं। भाई साहब, तुम कैसे कह सकते हो कि वैभव ने नहीं किया? अंकित, क्योंकि मैं जानता हूँ वैभव ये नहीं कर सकता। तुम कैसे जानते हो? अंकित, ये कभी नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ और ये जो भी करता है मुझे बता कर करता है। वो तो हमें भी पता है कि कालिया मसान तुमने ही करवाया है। अंकित का भाई, क्या? हाँ, सही सुना आपने, ये सब वैभव ने किया है। लेकिन क्यों किया ये अभी बताएगा वैभव। वैभव, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई साहब, ठीक है, अगर तुमने नहीं किया तो मैं ये क्रिया करके मसान तुम पर ही वापस भेज सकता हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। भाई साहब, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब तुम बताओगे तुमने ऐसा क्यों किया? वैभव, क्योंकि मैं और अंकित एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर वहाँ खड़े हुए सब लोग स्तब्ध हो गए और सबके मुंह से एक ही शब्द निकला, क्या? तो सोनिया प्रेग्नेंट कैसे है? अंकित, वैभव मुझसे प्यार करता है और मैं भी उसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई कमी नहीं है कि मैं सोनिया को एक बच्चा ना दे सकूँ। लेकिन अब मैं वैभव से प्यार करता हूँ। ये बात मुझे सोनिया से शादी के बाद पता चली और समाज में मुझे और वैभव को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारे घर वाले भी नहीं। सब करेंगे लेकिन किसी की जान लेने के बाद तुम खुद एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करोगे। थोड़ी देर की शांति के बाद अंकित ने कहा, एक बार ऑफिस में पार्टी के दौरान मैंने ज़्यादा दारू पी ली थी और मैं और वैभव बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए, जो हमारे लिए सही नहीं था क्योंकि मैं शादीशुदा था और हम दोनों मर्द। मेरे घर वाले ये सब चीज़ें नहीं मानते। घर आकर शराब के नशे में ये बातें सोनिया के सामने निकल गई। तब तक सोनिया प्रेग्नेंट थी। अंकित की माँ, बेटा तू घर में जिक्र तो करता, हम कुछ तो हल करते, बेचारी इस लड़की को क्यों मारना चाहा तूने? तुमने काला जादू कहाँ से सीखा? वैभव असम के मयोंग जिले से बिलोंग करता है, इसीलिए वो कालिया मसान के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। मैं और वैभव धीरे धीरे प्यार में बढ़ते गए और सोनिया से मैं दूर होता गया। सोनिया का जब चौथा महीना खत्म हुआ तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि वो घर में सब कुछ सच बता देगी। मैंने उससे बदला लेने के लिए वैभव को कुछ प्लान बनाने के लिए कहा। इसके मरने के बाद मैं कभी शादी नहीं करता और वैभव के साथ कहीं बाहर रहकर जॉब करता, और वैभव ने काला जादू करके सोनिया के ऊपर ये कालिया मसान करवाया। भाई साहब, मतलब ये जादू किसी और ने किया है? हाँ, ये हमने वैभव के किसी जानने वाले तांत्रिक से करवाया है। वैभव, तुम इससे प्यार करते हो और अंकित तुमसे, हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही समाज को। ये तुम्हारा आपसी मामला है, लेकिन किसी की जान लेना, किसी ऐसे इंसान की जान लेना जो अब तक दुनिया में नहीं आया, तुमको कोई हक नहीं है। इस अंकित ने तो एक बार भी नहीं सोचा अपने बीवी बच्चों के बारे में, कम से कम तुम तो सोचते। क्या तुम उस छोटे बच्चे को मारकर खुश रह पाओगे? क्या तुम्हें तुम्हारा मन रहने देगा खुश अंकित के साथ? और अगर रहने भी दिया तो क्या कभी तुम वो ज़िंदगी जी पाओगे एक बच्चे की जान लेकर जो तुम अभी जी सकते हो? वैभव रोते हुए, तो मैं क्या करूँ, मुझे माफ़ कर दो सोनिया। तुम अभी 12 बजे से पहले शमशान जाओ और इस क्रिया को उल्टा करो। जैसे तुमने ये शक्ति सोनिया पर छोड़ी है, वही शक्ति अब तुम्हें अपने ऊपर लेनी होगी। इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम शक्ति से माफ़ी मांगोगे तो तुम बच सकते हो। तुम अभी के अभी शमशान जाओ। वैभव, पर मुझे ये सब ठीक से नहीं आता। भाई साहब, ये लो काली यंत्र, इस यंत्र को अपने पास रखना, सब सही होगा। अब जाओ। सोनिया रात भर सोती रही और तड़पती रही, जब तक वो क्रिया चली होगी। सोनिया शमशान, लाशों का ढेर, नरक आग, नाश्ते भूत सब देख रही थी और साथ ही साथ हमें भी दिख रहे थे। सुबह 6 बजे सोनिया को होश आया, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी।
अब उसे कुछ भी अलग नहीं लग रहा था, उसे कुछ भी भारी महसूस नहीं हो रहा था और घर से भी सारी मनहूसियत चली गई थी। लेकिन उसके बाद वैभव और अंकित एक दूसरे से कभी नहीं मिले। वैभव असम वापस लौट गया था। अंकित और सोनिया एक साथ रहने लगे, लेकिन सोनिया ने कभी अंकित को माफ़ नहीं किया। वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए उसके साथ रह रही थी। और यहीं पर अंत होता है एक काले जादू का। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की ओर। हमारी तीसरी कहानी का नाम है भूतिया ट्रेन। तीन दोस्त जिनको जनकपुर से मुंबई जाना था और सभी बस से जनकपुर की ओर रवाना हुए। एक छोटा सा स्टेशन है वो, और वहीं से उनकी एक ट्रेन थी जिसे उन्हें जाना था। निखिल जल्दी जल्दी चल, वरना हमारी ये ट्रेन छूट गई तो हम यहीं रह जाएंगे। चिंता मत कर पंकज, मैं चल ही रहा हूँ। अब हवाई जहाज तो है नहीं कि उड़कर ही चले जाएंगे, आराम से चलते हैं। वैसे भी अभी ट्रेन को आने में 2 घंटे बाकी हैं, तो आराम से चलो। हाँ तो सही कह रहा है निखिल। उन सबके पीछे आकाश चल रहा था और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। निखिल ने कहा, आकाश तू तो कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? मैं क्या बोलूँ, तुम दोनों ही ऐसे बड़बड़ा रहे हो तो मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ। चुपचाप चलो, वैसे भी शाम होने वाली है। हाँ भाई चलते हैं। धीरे धीरे वो स्टेशन के करीब आ गए थे। छोटा स्टेशन था इसलिए बहुत कम ही लोग वहाँ थे। यार निखिल, यहाँ इतने कम लोग क्यों हैं? मुझे नहीं पता पंकज, यहाँ इतने कम लोग क्यों हैं? छोड़ना, हमें इनसे क्या करना है? हमको तो यहाँ से मुंबई निकलना है। हाँ हम इनकी बात क्या करें? तीनों दोस्त स्टेशन पर बैठकर अपना टाइम ऐसे ही हंसी मजाक में बिता रहे थे। तभी एक औरत उनके पास आई और उसका मुंह पूरा घूंघट से ढका हुआ था। उसने कहा, तुम सब कहाँ जा रहे हो? हम लोग मुंबई जा रहे हैं, और आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम कहीं नहीं जाते, हम तो यहीं रहते हैं। औरत के साथ उसका एक छोटा सा बच्चा भी था जिसको वो अपने गोद में लेकर बैठी थी। इसका क्या मतलब है कि आप यहीं रहते हैं? अब यही स्टेशन हमारा घर है तो हम यहीं रहेंगे ना, कि कहीं और जाएंगे? अच्छा तो आपका घर है यहाँ? चलो, आज पता चला कि स्टेशन पर भी किसी का घर होता है। और ये बच्चा कितने साल का है जो अभी भी आपकी गोद में बैठा हुआ है? ये बच्चा तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी अपनी माँ को छोड़ता नहीं है। अच्छा तो इस बच्चे ने अभी तक बोला नहीं कुछ? ये बोल नहीं सकता? मेरे कहने का मतलब है कि ये अभी सो रहा है। उस औरत की बातें इन सबको समझ में नहीं आई कि वो क्या इशारा कर रही थी। चलो आपसे बात करके हमारा थोड़ा बहुत टाइम तो बीत गया। अब ट्रेन आ गई थी और वो काफ़ी पुरानी लग रही थी, जिसमें कि एक दो लोग ही बैठे थे। चल चल निखिल, जल्दी चल, हमारी ट्रेन आ गई है और हम जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाते हैं, वरना कहीं ये चली गई तो अब कोई और ट्रेन नहीं है और रात भर हम यहीं रह जाएंगे। ठीक है, तुम सब जैसा कहो। तीनों दोस्त जल्दी से ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ के आगे बढ़ रही थी। तीनों एक टक खिड़की से देख रहे थे। वाह यार पंकज, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो तीनों ट्रेन से बाहर देख रहे थे। ट्रेन थोड़ी आगे बढ़ी तो उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया। उन्होंने वो बोर्ड पढ़ा तो उस पर लिखा था, सावधान, ये स्टेशन बहुत सालों से उजड़ गया है, कृपया यहाँ कोई ना आए। इस स्टेशन को बहुत पहले ही बंद कर दिया गया है, तो आप सबसे निवेदन है कि इस स्टेशन पर ना आए। यहाँ से कोई गाड़ी कहीं के लिए भी नहीं जाती है। सरकार द्वारा ये बोर्ड लगाया गया है। ये पढ़कर तीनों के पसीने छूट गए। ये कैसे हो सकता है कि स्टेशन पर कोई ट्रेन ही ना आती हो? पर हम जिसमें बैठे हैं वो क्या है फिर? यार अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी पीछे के डब्बों से चलने की आवाज़ आई। इधर की तरफ बहुत सारे लोग बढ़ रहे थे और वो सभी बात कर रहे थे। जो ट्रेन अभी खाली लग रही थी, अचानक से उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। किसी का बच्चा रो रहा था तो कोई अपनी पत्नी से लड़ाई कर रहा था। यहाँ ऐसे ही चल रहा था। ये तीनों सोच में पड़ गए कि अभी तो ये ट्रेन पूरे तरीके से खाली थी, फिर यहाँ लोग कैसे आने लगे? कोई बात नहीं, चुपचाप बैठ जाओ, देखते हैं ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, ये तो अभी पता चलेगा। देख पंकज, हमें डराने की कोशिश मत कर, हम तो वैसे भी नहीं डरने वाले। अच्छा तो तुम लोग नहीं डरोगे? अभी देखो क्या होता है यहाँ, चलो देख लेते हैं कि यहाँ क्या होता है। तभी
कुछ लोग इनकी तरफ आए और इनसे कहा, कहाँ जाना है बाबू? आकाश हकलाते हुए बोला, काका कहीं नहीं जाना। क्या? अरे हम मुंबई जा रहे हैं ना। तभी आकाश की बातों को टोकते हुए निखिल ने बोला। फिर उसने कहा, तुम लोग यहाँ आ तो गए हो लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाओगे। यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ और ये बात सत्य है। देखो अभी क्या होता है। उसने उन सभी को आवाज़ दी और सभी इनकी तरफ टूट पड़े। कोई उधर से गिरने लगा तो कोई इधर से। फिर उस व्यक्ति ने कहा, ज़रा आप सब अपना चेहरा तो दिखा दो इन्हें, इनको भी पता चल जाएगा ये कौन है। फिर उसके आदेश को मानकर उन सब ने अपने चेहरे से मुखौटा हटा लिया, जो कि बहुत भयानक लग रहा था। किसी के चेहरे जले हुए थे तो किसी के चेहरे कटे हुए थे। ऐसी स्थिति कि कोई भी देखकर डर जाए। देखो हमें जाने दो, पंकज ने कहा। कैसे जाने दें हम तुम्हें? क्या हमको लोगों ने जाने दिया था तो हम तुम्हें कैसे जाने दें? अभी देखो आगे इस ट्रेन में क्या होता है। तभी आगे जाकर ट्रेन अपने आप ही ब्लास्ट हो गई और कोई कहीं गिर रहा था तो कहीं कहीं रो रहा था। किसी की हड्डियाँ टूटी तो किसी के मांस के लोथड़े बाहर आने लगे। चारों तरफ लाश ही लाश थी। ये सब देखकर तो तीनों डर गए थे। ट्रेन के ब्लास्ट होने पर सही से सुनाई भी नहीं दे रहा था। कान एक पल के लिए सुन्न हो गए थे। जब कानों से सुनाई दिया तो लोग चीख और चिल्ला रहे थे। ये स्थिति बहुत ही भयानक थी। ये तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़े भाग रहे थे और वो सारी लाशें इनकी तरफ आ रही थी। पंकज, मैंने पढ़ा है कि सुबह होते इनकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं, तो इनको कैसे भी सुबह तक के लिए रोक के रखना है। वो सारी आत्माएं काफ़ी भयानक हो गई थी। कुछ ही पल में एक और ट्रेन आई जिसमें से वैसे ही लोग उतर रहे थे जैसे कि उस ट्रेन में थे। ये सब देख के तो इन तीनों के पसीने छूट गए और ये तीनों बहुत दूर तक भागने लगे। सुनसान रात और ये तीनों उसी रात में भाग रहे थे। जब लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है तो पंकज ने कहा कि निखिल कहीं से लकड़ियाँ ढूंढ और आग लगा दे और उसी आग के मदद से हम इनको रोक सकते हैं। उन तीनों ने वैसा ही किया, लकड़ियों को ढूंढा और वहाँ आग लगा दी जिससे वो सब काफ़ी पीछे हटने लगे। पर धीरे धीरे आग के लपटे ही शांत हो गई और फिर वो सारी आत्माएं तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ रही थी। तभी एक भूत ने निखिल को पकड़ा और काफ़ी दूर फेंक दिया और सारे हंसने लगे। जल्दी वो दोनों उसके करीब गए और उन्होंने कहा, निखिल ये हमारी परीक्षा है और इसे हमें ही पार करना होगा। चल उठ, जल्दी उठ, वरना वो अभी हमारे तरफ ही आ जाएंगे। इन सब में भागा दौड़ी का खेल चल रहा था। धीरे धीरे सूरज की किरणें आने लगी और सभी अचानक से शांत हो गए और वो स्टेशन खंडहर में तब्दील हो गया। उस खंडहर को देखकर ये लोग सोचने लगे कि शाम को तो ये स्टेशन था पर सुबह में खंडहर हो गया। इसके बाद वो सारे अपने घर यानी मुंबई चले गए। कैसी लगी ये कहानियाँ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय माँ काली।